हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास फोर, चैप्टर फोर, ग्रामर सब्जेक्ट। इन द नाउन, ओके, आई एक्सप्लेन इट। नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, मटेरियल नाउन। नाउ द लास्ट वन टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव नाउन? इफ आई से सुजा हैज अ बुके ऑफ फ्लावर्स, okay, second, I saw a flock of sheep grazing in the field, okay, now in these two sentences, now there are the third one also, right? There are 12 players in a team. This sentence I have written first, second and third. Okay. Now in this sentence, just you see that highlighted. Bouquet, your flock, your team is there, okay, team। अब यहाँ पे देखो कि मैंने ये अभी flowers, बहुत सारा flowers, तो मैं उसमें ये नहीं लिखती one flower, two flower, ten flowers, hundred flowers, उसके जगह मैं क्या बोलती हूँ group में, bouquet of flowers। Sheep मैं गिनूंगी नहीं, मैं गिन के ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे पास 100 शिप है, मेरे पास फ्लॉक ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, ओके, ग्रुप ऑफ, मेरे पास प्लेयर्स है, ग्रुप के टीम है, तो मैं वो वर्ड बनाऊंगी, मेरे पास एक टीम है, प्लेयर्स का एक टीम है, मेरे पास बंच ऑफ कीज है, ओके, बहुत सारे कीज है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी मेरे पास 100 कीज, 200 कीज है, बट आई विल से आई हैव अ बंच ऑफ कीज, ओके। सो कलेक्टिव नाउन इसमें आपको क्या समझ में आया, जैसे कि बुके, फ्लॉक, टीम, बंच, ये सब क्या है, ये सब है ग्रुप, स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप। सो द कलेक्टिव नाउन आर द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स कैन टेकन एज वन यूनिट। अगर पीपल पे हो, अ क्राउड ऑफ पीपल, एनिमल्स, a herd of cows, या flock of sheep, okay, things में है, flowers, a bunch of keys, या bunch of bananas, a bouquet of flowers, ये सब एक ही unit होते, एक ही चीज होता है, लेकिन उसमें मैंने एक word use किया, वो collective noun है, जैसे कि bunch, bouquet, flock, team, ये सब एक collective noun है, okay। अभी मैंने इसमें आप लोगों को कलेक्टिव नाउन क्या है वो समझाया, अब सेकंड में अभी आपको एक्सरसाइज का ये कराती हूँ। अब सपोज इस एक्सरसाइज है, इसमें अ डैश ऑफ वुल्व्स, अ डैश ऑफ वुल्व्स, अ डैश ऑफ स्टार्स, अ डैश ऑफ फिश, a dash of bees। अभी मैंने ये चार दिया है, dash of wolves, अब बहुत सारे wolves है ग्रुप में, तो हम क्या लिखेंगे, a pack of wolves, बहुत सारे stars है, तो हम क्या बोलेंगे उसमें word, cluster, a cluster of stars, fish एक साथ ग्रुप में हो तो a shoal of fish, bees एक साथ हो तो a swarm of बीस, ओके। देखो अभी मैंने इसमें एक एक वर्ड का, अभी वुल्व्स जो ज्यादा है तो उसमें आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है कलेक्टिव नाउन, किस तरह ग्रुप में हम लिखते हैं। अभी स्टिक्स है, यहाँ पे स्टिक्स होगा, सो यहाँ क्या लिखेंगे, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ओके, वी वांट से अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स, हम बोलेंगे बंडल ऑफ स्टिक्स, अ डैश ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स होगा तो बंच ऑफ ग्रेप्स, इसमें बंच में क्या क्या आता है, कीस आता है, ग्रेप्स आता है, बनाना आता है बंच,
ओके डैश ऑफ काउस, काउस का क्या आता है हर्ड ऑफ काउस, एच ई आर डी हर्ड ऑफ काउस। डैश ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स जो है उसका ग्रुप में क्या बोलते हैं क्वायर, हम क्या बोलते हैं क्वायर ऑफ सिंगर्स। ओके आपको ये बता दिया है। अभी नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द कलेक्टिव नाउन, अभी कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द कलेक्टिव नाउन वो समझाने वाली। अब फर्स्ट वाला है डैश ऑफ थीव्स, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखती हूँ खाली आपको ये बताने के लिए। डैश ऑफ थीव्स इज एक्टिव इन द सिटी, तो कौन थीव्स, डैश ऑफ थीव्स तो उसमें क्या लिखेंगे अ गैंग ऑफ थीव्स, सेंटेंस में क्या लिखेंगे अ गैंग ऑफ थीव्स। अभी मैंने आपको बताया सेकेंड में अ डैश ऑफ कीज, डैश ऑफ कीज वॉज लाइंग अंडर द पिल्लो, पिल्लो के नीचे बहुत सारे कीज थे ग्रुप में, तो हम उसको क्या बोलते अ बंच ऑफ कीज, क्या बोलेंगे अ बंच ऑफ कीज। डैश अ डैश ऑफ सोल्जर्स वॉज सेंट टू द फ्रंट, अब ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स हो तो क्या लिखेंगे बहुत सारा सोल्जर्स हो तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, नहीं तो स्ट्रॉन्ग और आर्मी ऑफ द सोल्जर्स। ओके अभी यहाँ पे मैंने लिखा है अ डैश ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स ओके अ डैश ऑफ स्टेप्स लेड टू द मेन हॉल, क्या अ कपल ऑफ स्टेप्स, क्या लिखेंगे कपल सी ओ यू पी एल ई कपल ऑफ स्टेप्स। देयर इज अ ब्यूटिफुल डैश ऑफ स्ट्रिंग्स, डैश ऑफ स्ट्रिंग्स सॉरी डैश ऑफ पर्ल्स, सो हम उस पर एक वर्ड क्या लिखेंगे अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स क्या है आपको पता है पर्ल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्ल, जो इयररिंग्स में छोटी छोटी जो मोतियां होती है पर्ल। ओके वी बुक द डैश ऑफ रूम्स, अभी हम कोई भी रूम बुक करते हैं ओके अब इतना सारा रूम बुक किया तो हम क्या लिखेंगे अ स्वीट ऑफ रूम्स। ओके अभी दूसरा है द डैश ऑफ शिप्स, डैश ऑफ शिप एस आई पी शिप्स ने तो फ्लीट ऑफ शिप, अगर ये एनिमल वाला शिप हो तो फ्लॉक ऑफ शिप। ओके ये ध्यान में आया। अभी आप शी प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का तो आपको पता है बुके। ओके अभी यहाँ पे एक्सरसाइज के बाद एक एक्टिविटी है जो अल्फाबेटिक, एक ब्लैक बोर्ड में अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखा है उसमें से हमें कम से कम चार या पांच, जितना हो सकता है उतना तीन या तो चार या पांच कलेक्टिव नाउन का वर्ड्स वो अल्फाबेट से बना के आपको लिखना है। ओके समझ में आ गया। अब जिसको भी कलेक्टिव नाउन नहीं आया, समझ में नहीं आया, डाउट है उसमें कुछ या नाउन पे कोई चैप्टर पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिएगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर एक न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।